गुड मॉर्निंग आप कभी तो आप कब तो वक्त होंगे हेल्थी होंगे अपने घर में ठंड से बदतर ये बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है। चलो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ लिए थे एक्टोप पढ़ लिए थे डिफरेंट बिटवीन पढ़ी ऑर्गेनिक एंटोमेटल फार्मिंग था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया था। अब आते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस लेस यार्ड थी ऑर्गेनिक फार्मिंग थी क्या है यार्ड कम है इट रिक्वायर मोर टाइम क्योंकि ये इट रिक्वायर मोर टाइम ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती है क्योंकि हम इसमें जैसे अब है हाँ नेचुरल मैन्यूर वगैरह करते हैं मोस्टली फर्टिलाइजर तो अब जैसे नाइट्रोजन दे देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती तो उसमें कम देते तो वो ज़्यादा टाइम टेकन लेती है। रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर इज ऑल्सो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर इज ऑल्सो मोर क्योंकि हम जैसे अब मैनुअली काम कर रहे हैं तो वेट कंट्रोल भी मैनुअल कर रहे हैं होइन वगैरह से यूज कर रहे हैं तो टोलराइजेशन मेथड टिलेज वगैरह ये नीचे कर रहे हैं भी चीज़ें कर रहे हैं वेट कंट्रोल वगैरह पेट तो कंट्रोल करना होते हैं तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वो है लेबर कंज्यूमर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड मोर एक्टिवफुल फार्मर इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में मोर एक्टिवफुल फार्मर चाहिए क्योंकि एक्टिव इसलिए चाहिए क्योंकि अब है उनमें कन्वेंटल में तो तीती भी टाइप कंट्रोल कर लेते हैं हर चीज़ जैसे पैट तो भी देते बट इसमें वो होना चाहिए कि ये कौन सी डिजीज है ये तीती तरह से कंट्रोल होती हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जैसे अब है कोई भी चीज़ येलो हुई है वाटर की वजह से हुई है ड्रोट की वजह से हुई है इस वजह से हम लोग तो वो करना चाहिए। अब आती है ट्रिकॉल मोर लैंड एरिया इसमें लैंड एरिया भी बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि जब भी हम यार्ड कर पाएंगे जैसे अब है एक एकड़ में तरने लग गए अब तो उसमें इतना पॉसिबल नहीं होता ये होती है मोटली लार्ज एक्टेल में लार्ज हर चीज़ को लार्ज एक्टेल में कंट्रोल करते थे क्योंकि यार्ड तो आप तो जानते हो कि कमी होती है क्योंकि एक 10-15 एकड़ हो हेक्टर को तो उनमें इजी से कंट्रोल हो सकते हैं तारे ऊपर से इजी हो सकते हैं बट एकड़ या इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता उसमें तो इन्वेस्टमेंट ही होता इस प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फूड विच इज मोर एफेक्टिव फॉर कंज्यूमर जो ये हाई क्वालिटी है तो अब नॉर्मली की बात है खर्चा ज़्यादा होता तो फार्मर अपने तरते थोड़ी लगाएगा तो वही बात है इनते जो भी मटेरियल होता है वो हाई क्वालिटी भी होता है क्योंकि उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हेल्थी होता है अपने बॉडी के लिए और न्यूट्रिशन भी मोर होते हैं बट इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए कोई भी अच्छी तरह का पढ़ नहीं करता था और एक और मार्केट में हर आदमी कहता है 100% और देनी 100% और देनी बट इसमें भी कोई सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया हुआ थी जो प्रूव करते थे कि 100% और देनी थे और चलो एक करंट अफेयर की बात है एक टिक्कीम है जो 100% और देनी एस्टेट है हमारे इंडिया का। थैंक यू सो मच हेल्थी रहिए ध्यान रखें बाय बाय।